नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। तो इस चैप्टर का नाम है अ लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। टू गॉड मतलब भगवान के नाम या फिर भगवान के लिए। तो भगवान के लिए एक पत्र, क्या कभी ये संभव है कि आप भगवान को पत्र लिख सके या फिर आप भगवान को मोबाइल पर फोन करके बात कर सके उनसे? ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो इस चैप्टर का नाम तो अपने आप में ही परेशान करने वाला है कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर ये सिद्ध हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी फोन लगाकर भगवान से बातें करेंगे खूब सारी, कि खूब सारा पैसा दे दीजिए या फिर खूब सारी बारिश करवा दीजिए या फिर बारिश रुकवा दीजिए क्योंकि हमको खेलने जाना है। चलिए क्या होता है ये कहानी में समझेंगे। और इस कहानी का जो लेखक है वो है जीएल फील्ड्स। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से सीधे सीधे शब्दों में बता दूं कि इस कहानी में भगवान के प्रति अटूट विश्वास को प्रदर्शित किया गया है या फिर दिखाया गया है। इस कहानी को मैंने तीन भागों में विभाजित किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और कभी ना भूलें। तो सबसे पहले लैंचो, जो आपकी कहानी का हीरो है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में कि लैंचो आपकी कहानी का हीरो है, उसकी फसल और उसका परिवार। तो लैंचो एक गरीब किसान है और उसका जो घर है वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि उस पहाड़ी पर उसके अलावा कोई घर नहीं है। लैंचो की फसल, जो कि मकई की फसल होती है, को बारिश की जरूरत होती है, जिसकी वजह से लैंचो पूरा दिन आसमान को देखता रहता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बारिश जरूर होगी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी, आज बारिश जरूर होगी, अर्थात आज हमें कुछ ना कुछ पानी अवश्य मिलेगा। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। उसके छोटे लड़के घरों के पास खेल रहे होते हैं और उसके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं। रात के भोजन के समय, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, आसमान से बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगती है और बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिख रहे होते हैं। लैंचो बरसात में भीगने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर तो लेखक ने कुछ ऐसा लिखा है कि लैंचो वर्षा का अपने शरीर पर आनंद उठाने के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस लौटता है तो अपने परिवार से कहता है कि ये बरसात की बूंदें नहीं है बल्कि ये नए सिक्के हैं। यहाँ पर सिक्कों से तात्पर्य यह है कि ये फसल, हमारी फसल के लिए ये बारिश बहुत अच्छी साबित होगी, इसकी वजह से हमारी फसल और अच्छी होगी। और लेकिन होता क्या है कि कुछ ही समय बाद बारिश के साथ साथ एक बहुत तेज हवा बहने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और ये ओले लगभग एक घंटे तक बरसते ही रहते हैं। लैंचो को उम्मीद होती है कि ये ओलों की बारिश जल्दी ही बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग एक घंटे तक ओलों की बरसात होती रहती है। सुबह लैंचो अपने खेतों में खड़ा होता है और वो देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वो पूरी तरह से उदास हो जाता है। वो अपने परिवार से कहता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, यानी हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन उसका परिवार और वो ये जानते थे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, अर्थात अब भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि लैंचो भगवान को पत्र लिखता है। जब उसका परिवार उससे कहता है कि भगवान उसकी सहायता करेंगे या फिर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, तो लैंचो को दिल में एक उम्मीद जागती है कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। यहाँ पर यह प्रदर्शित किया गया है कि लैंचो खेतों में एक बैल की तरह काम करता था लेकिन वो लिखना जानता था। तो वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है और उस पत्र में वो लिखता है कि हे भगवान, मेरी सारी फसल ओलों ने बर्बाद कर दी है, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस मतलब जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है उसी तरह से पीसोस भी मुद्रा का ही एक नाम है। वो लिखता है कि मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों की फिर से बुवाई कर सकूं, अपने परिवार का जब तक फसल तैयार नहीं होती तब तक पालन पोषण कर सकूं। वो उस पत्र को एक लिफाफे में रखता है और उस लिफाफे को ले जाकर डाकघर में मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जब ये मेल बॉक्स एक डाकिया खोलता है तो वो उस पत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि कभी भी किसी ने भी भगवान को पत्र नहीं लिखा, कभी भी किसी ने फोन लगाकर भगवान से बात नहीं की है। तो ये असंभव है, ये संभव नहीं है। वो उस पत्र को लेकर जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास जोरों से हंसता हुआ और उस पत्र को अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है।
पोस्टमास्टर भी इस पत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और जोरों से हंस पड़ता है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि पोस्टमास्टर एक मैत्रीपूर्ण सज्जन व्यक्ति था और वो की मोटा व्यक्ति था, ठीक है। तो एक मोटा मैत्रीपूर्ण सज्जन व्यक्ति था पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर भी जोरों से हंस पड़ता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि इस व्यक्ति में भगवान के प्रति कैसा अद्भुत विश्वास है, काश मुझ में भी भगवान के प्रति ऐसा ही विश्वास होता। वो भगवान में लेखक की आस्था बनाए रखने का प्रयास करता है और इसीलिए लैंचो को पत्र का जवाब मिलता है। तो पोस्टमास्टर ये सोचता है कि इस व्यक्ति का, जिसने इस पत्र को लिखा है, इसका अटूट विश्वास भगवान में बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इसके पत्र का जवाब दिया जाए। वो उस पत्र को खोलता है, लेकिन जब वो उस पत्र को खोलता है तो उसको ये बात स्पष्ट रूप से पता चल जाती है कि इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल कागज और स्याही ही जरूरी नहीं है, बल्कि पैसों की भी आवश्यकता है, क्योंकि उसने 100 पेसोस मांगे थे। पोस्टमास्टर अपने सहकर्मियों से कुछ पैसे मांगता है, अपने मित्रों से भी दान के रूप में कुछ पैसे देने की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनुरोध करता है कि आप लोग भी कुछ दान में पैसे दीजिए। और पोस्टमास्टर खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा देता है, लेकिन वो 100 पेसोस इकट्ठा नहीं कर पाता, वो केवल 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाता है। और वो 70 पेसोस वो एक लिफाफे में रखता है और उस पैसों के साथ वो एक पत्र भी रखता है उन लिफाफे में, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा होता है, भगवान लिखा होता है। तो एक पत्र जिस पर भगवान का हस्ताक्षर है वो, और वो 70 पेसोस, ये दोनों चीजें वो लिफाफे में रखता है। अब इसके आगे कहानी में हमको बताया गया है कि अगले रविवार की सुबह लैंचो समय से थोड़ा जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो डाकिया उसे पत्र देता है और जो पोस्टमास्टर होता है वो अपने ऑफिस से देख रहा होता है कि ये किसान इन पैसों को पाकर बहुत खुश होगा और इन पैसों को देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा, यानी इन पैसों को पाकर वो खुश हो जाएगा। और पोस्टमास्टर अपने अंदर ही अंदर संतुष्टि का अनुभव कर रहा होता है, या फिर एक अच्छा अनुभव कर रहा होता है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया होता है। लेकिन वो देखता है कि वो किसान यानी लैंचो जब उस पत्र को खोलता है और पैसों को गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। लैंचो खिड़की के पास जाता है, कागज और स्याही मांगता है और फिर से भगवान को एक पत्र लिखने लगता है और उस पत्र को वो ले जाकर मेल बॉक्स में फिर से डाल देता है। अब की बार पोस्टमास्टर खुद जाता है, वो मेल बॉक्स को खोलता है और उस पत्र को निकालता है, और जब उस पत्र को खोलकर देखता है तो उस पत्र में लिखा होता है कि भगवान, जो पैसे आपने मुझे भेजे थे उसमें से केवल 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं, बाकी के 30 पेसोस भी मुझे जल्दी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उन पैसों की आवश्यकता है, लेकिन इन पैसों को मुझे डाक से मत भेजिएगा क्योंकि डाक घर के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का समूह है, यानी चोर है। कहने का तात्पर्य, लैंचो को विश्वास हो जाता है कि भगवान ने 100 पेसोस तो भेजे थे, लेकिन इन डाकघर के एम्प्लॉयज ने, इन डाकघर के कर्मचारियों ने उसमें से 30 पेसोस निकाल लिए। इसीलिए वो डाकघर के कर्मचारियों को कहता है कि ये लोग चोर हैं, और यहीं पर ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। और अगर इस चैप्टर को आप एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिए अ लेटर टू गॉड डिजायर पॉइंट। इस चैप्टर को पढ़ाकर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आज हमने इस चैप्टर की समरी भी अपलोड कर दी ताकि आप कम समय में इस चैप्टर का अध्ययन कर सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।